हेलो गाइस, वेलकम टू जुनेजा टेक्नोलॉजी। सो हमारा जावास्क्रिप्ट की पार्ट 7 है, जिसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। पिछली वीडियो में हमने फंक्शंस किया था, सो आज देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। सो सबसे पहले मैं आपको फंक्शंस के टाइप बता दूं। एक तो है हमारा बिल्ट इन फंक्शन, और सेकेंड है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ आपको। सो बिल्ट इन फंक्शन जो है वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी में ऑलरेडी एडिड है, मींस आप उसको जो है सिर्फ नेम देके आप यूज कर सकते हो। ओके, मींस आप नेम देके यूज कर सकते हो उसको, आपको कोई डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। बट यूजर डिफाइन फंक्शन में आपको पहले पूरा फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है, फिर आप उसको यूज कर सकते हो। बिल्ट इन फंक्शन में सिर्फ आप यूज कर सकते हो, ना आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, ना आप उसका नेम चेंज कर सकते हो। लेकिन यूजर डिफाइन फंक्शन में प्रोग्रामर ही जो है फंक्शन को डिफाइन करेगा और उसका नेम सेट करेगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मैंने ये फॉर्मेट बना के रखा होगा। सो हम क्या करेंगे, पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल जिसका नेम हम रखते हैं नेम। ओके, वेरिएबल नेम हमने नेम रखा है इसका। सो इसमें हम लिख देते हैं, ओके हमने कुछ भी लिख देते हैं हम वेरिएबल के नेम में, हमने नेम सेट कर लिया है वेरिएबल। और इसके बाद हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके, पहले मैं एक बार सेव कर लेता हूँ। टाइप्स ऑफ फंक्शन डॉट html, html ट्यूटोरियल्स में सेव कर लेते हैं। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके, ये जो राइट है ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये बिल्ट इन फंक्शन है। सो इसमें हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ माय नेम इज, लेंथ ऑफ माय नेम इज, अब इसमें हम प्लस देके ये वेरिएबल क्या नेम है वेरिएबल का, नेम डॉट लेंथ सेव करेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन, ओके लेंथ ऑफ माय नेम इज 5। हमने कभी कहीं भी ये लेंथ ये डिफाइन नहीं किया, ये लेंथ ये भी एक फंक्शन है लेंथ। ओके, डॉट लेंथ ये एक फंक्शन है, हमने कहीं डिफाइन नहीं किया लेंथ से क्या होना चाहिए क्या नहीं। इसमें हम चाहे और लिखे, ओके जितने भी हम टैग लिखेंगे ओके, अब चलिए अब चेक करते हैं। सो इसकी जो है 35 हो गया। ओके, जितना आप लिखेंगे ये एकदम एक्यूरेट जो है इसकी लेंथ बता देगा। इसी से कई वर्ड काउंटर वेबसाइट भी बनती है। ओके, अब देखते हैं। सो ये लेंथ जो है हमने ये फंक्शन यूज किया, ये हमने कहीं डिफाइन नहीं किया, ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी में एक पहले से डिफाइन किया हुआ फंक्शन है जो किसी की भी लेंथ जो है फाइंड आउट कर सकता है। ओके, सो चलिए हम चलते हैं अब यूजर डिफाइन फंक्शन की तरफ। ओके, मैं एक और आपको एक कमेंट का कंसेप्ट बताना चाहता हूँ आपने। चलिए मैं पहले लिख लेता हूँ, यूजर डिफाइन फंक्शन। यूजर डिफाइन फंक्शन ये क्या मैंने लिखा, ये आपको मैं पहले सेव करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कहीं नहीं दिख रहा, ये क्या है, कमेंट है ये। इसलिए प्रोग्रामर को समझने के लिए हमने कमेंट दिया। ये होता है सिंगल लाइन कमेंट। जैसे आप यहाँ कोई भी अपना टास्क फिनिश करते हो, किसी की भी स्टार्टिंग के लिए आपको बताना हो कि हम क्या कर रहे हैं, सो वहां पे ये यूज होता है। ओके, चलिए एक इसे करके देखते हैं। यहाँ बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन, ये देखिए ये कमेंट है, ये कहीं भी शो नहीं हो रहा है, ये देखिए।
कि कहीं भी शो नहीं हो रहा है, इसे हम कमेंट इसलिए देते हैं क्योंकि हमारी कोडिंग बहुत ही लंबी होती है जब हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं। सो जैसे कोई एग्जांपल हो तो मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए अभी ये तो कुछ नहीं, मैंने बहुत से डिवाइड करके दिए हुए हैं, ये देखिए अभी इसमें बड़ी वाली कोडिंग है नहीं, ये देखिए काफ़ी बड़ी होती है। सो इसमें मैं से कमेंट देते हैं। ओके वो तो छोटी सी वेबसाइट थी, बट अगर आप कोई अच्छी वेबसाइट बनाते हो तो वो काफ़ी बड़ी होती है उसकी कोडिंग। सो ये प्रोग्रामर को बताने के लिए, ताकि आपकी कोई गलती हो तो कहाँ कौन से पार्ट में गलती है वो हम कमेंट के जरिए देख सकते हैं। ओके बिल्ट इन फंक्शन ये होता है सिंगल लाइन कमेंट, अगर हम चाहते हैं डबल लाइन कमेंट देना या मल्टी लाइन कमेंट देना। ओके स्लैश स्टार स्लैश और कुछ भी आप दे सकते हैं, और क्लोजिंग इसकी स्टार स्लैश। ओके आप चाहे तो स्लैश स्टार भी दे सकते हैं और नहीं तो ओके सॉरी स्लैश स्टार भी दे सकते हैं। स्लैश स्टार इससे इसकी स्टार्टिंग होगी और ये रिवर्स में इसकी एंडिंग होगी, पहले स्लैश स्टार फिर स्टार स्लैश से इसकी एंडिंग होगी। इसको आप चाहे जितनी मर्जी लाइन में लिख सकते हैं कमेंट। ओके इसके अंदर आप जितना मर्जी बड़ा कमेंट लिख सकते हैं, अभी हमें डबल लाइन कमेंट की कोई जरूरत नहीं है। ओके मल्टी लाइन कमेंट की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन में क्या होता है, हमें फंक्शन को पूरा एक्सप्लेन करना होता है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कैसे हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। फंक्शन की स्टार्टिंग के लिए हमें लिखना होता है फंक्शन, चलिए हम बनाते हैं से हेलो। ओके मैंने आपको बताया था ये हमारी पूरी वीडियो है जो हमने पिछली वीडियो में देखा था फंक्शन के बारे में। ओके चलिए बनाते हैं से हेलो। ओके जस्ट एन एग्जांपल से हेलो। ओके फंक्शन से हेलो, इसमें हम क्या करना चाहते हैं, एक अलर्ट शो करवाएं। इसमें हम क्या लिखना चाहते हैं, दिस इज यूजर डिफाइन फंक्शन, दिस इज यूजर डिफाइन फंक्शन। ओके अब इसको हम कॉल करेंगे। ओके क्योंकि ऐसे बाय डिफॉल्ट आपको बताया था फंक्शन नॉन एग्जीक्यूटेबल होते हैं, इसको एग्जीक्यूट करना होता है, ये बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूटेबल नहीं होते हैं। ओके सो हम क्या करेंगे, इसको हम पहले स्क्रिप्ट के बाहर एक बटन बना देते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन वैल्यू से ओके चलिए विच फंक्शन और अब इसमें हम ऑन क्लिक करते हैं, ऑन क्लिक क्या हो इसमें, ये जो है से हेलो वाला फंक्शन जो है कॉल हो जाए से हेलो डन। अब इसको हम करेंगे क्लोज और अब देखते हैं। ओके सो ये हमने कर लिया और यहाँ पर बटन आ चुका है, जैसे हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो ये से हेलो जो है काम करता है, ये दिस इज यूजर डिफाइंड फंक्शन, जैसे हमने यहाँ लिखा था दिस इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके विच फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके सो इसमें क्या हमने देखा, जो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसमें हमने इसके नेम को डिफाइन किया से हेलो, हमने फंक्शन को मॉडिफाई भी किया अपने हिसाब से, इसे वर्क करवाया क्या करना है इसको, दिस इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके जो भी अलर्ट हमने शो करवाना चाहे वो अलर्ट शो करवाया और इसको हमने कॉल किया। ओके जबकि बिल्ट इन फंक्शन में हमने सीधा नेम यूज किया, इसको कोई डिफाइन नहीं किया, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी में सेव थी। ओके जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी में ऑलरेडी है तो इसको हम सिर्फ नेम दे के यूज कर सकते हैं, बट यूजर डिफाइन फंक्शन में हमें इसको डिफाइन करना होगा और इसे यूज करना होगा। आई होप आपको सब समझ आ गया हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।